अवेंजर्स, यहाँ पे हर जगह फैल जाओ। हमें खबर मिली है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, चलो आ जाओ। अरे चिंता मत करो आयरन मैन, हम लोग आ चुके हैं, अवेंजर्स आ चुकी है। अवेंजर्स ये जगह की छानबीन करेगी और हाँ, जो भी दुश्मन होगा उसे चुन चुन के मारेगी। चलो अवेंजर्स भाई, हर जगह फैल जाते हैं, चलो। हल्क उसका भरता बना देगा। कौन है वो, हमें परेशान कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आयलो सर जी, मुझे तो डर लग रहा है, मैं आपके साथ रहूं क्या? अरे स्पाइडर मैन, तुम अभी भी डर रहे हो? अरे तुम्हारे पास सुपर पावर है, लॉस सेंटोस को बचाओ जाकर के, यहाँ पे तुम बच्चों की तरह डर रहे हो। आयलो हाँ, मुझे तो सबको बचाना है। अरे मैं तो बचाने चला, यहाँ पे किसको प्रॉब्लम है, मैं उसे बचाऊंगा। अरे वो देखो, यहाँ पे लगता है प्रॉब्लम है, ये तो देखो धूम्रपान कर रही है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ये लो, अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो, अरे ये लो, तुमको नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सेहत के लिए हानिकारक है। ये लो, लगता है दोस्त ये कर भी नहीं पाएगा, मैंने इसका मुंह तोड़ दिया मार के। सर जी मैंने अच्छा काम किया ना? एक से एक नमूने भरे हुए अवेंजर्स टीम में। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं अवेंजर्स टीम कम हैंडल कर रहा हूँ, सर्कस की टीम ज्यादा हैंडल कर रहा हूँ। और तुम लोग दोनों जो करके सर्कस, अरे यार हिल भी लो जरा, पता नहीं काहे खड़े हो। चलो मैं पता लगाता हूँ, जार्वेस दुश्मन कहाँ पे, जल्दी बताओ। सर जी मुझे लगता है सेकंड फ्लोर में, देखिए कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा सेकंड फ्लोर, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। एक बात बताओ जार्वेस, मेरे उड़ने की पावर को क्या हुआ? सर जी आप अपना सूट को चार्ज नहीं करते तो उड़ेगा घंटा। अच्छा अच्छा, मैंने चार्ज नहीं किया, ओ नो, अगली बार चार्ज करके आऊंगा। एक सेकंड, ये क्या बना दिया तूने? ओए फेक आयरन मैन, ये क्या बना दिया तूने? टोनी फाइनली तुम आ गए, तुमने मेरा आविष्कार को अपना आविष्कार बोल करके बहुत पैसे छाप लिए। ये देखो, ये है मेरा नया आविष्कार, इवल हल्क बस्टर। ये लॉस सेंटोस को खत्म कर देगा, साथ ही साथ तुम्हें भी खत्म कर देगा। बताओ ये कैसा लगा? ये फेक आयरन मैन कभी नहीं समझेगा। पता है तुम्हें, लॉस सेंटोस में सिर्फ एक ही आयरन मैन रह सकता है, वो हूँ मैं। और ये फालतू खिलौने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये लो, अब तुम्हारे ये फटीचर सा हल्क बस्टर गया कबाड़ के डब्बे में। चलो अवेंजर्स, हो गई काम यहाँ पे खत्म। ओए टोनी, बहुत घमंड है ना तुम्हें सूट का? अगर ये सूट ना पहनो ना तो मैं तुम्हें चुटकी भर में हरा दूंगा, याद रखना। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है मैं सूट की वजह से सुपर हीरो हूँ? रुको मैं अभी सूट उतारता हूँ। ये लो, मैं सूट उतार लिया, तब भी तुम मेरा घंटा कुछ कर पाओगे, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। ये आर्क रिएक्टर देख रहे हो, जब तक ये है तब तक मैं मर नहीं सकता। बड़े आए फेक आयरन मैन, तुम्हारे पास तो आर्क रिएक्टर है ही नहीं। लेकिन तुम भूल गए आयरन मैन, मैंने आर्क रिएक्टर को डिफ्यूज और खत्म करने का मशीन बना लिया है, अब तुम गए आयरन मैन। ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच है। ये लो आयरन मैन। बेचारा मारा गया आयरन मैन, बड़ा आया था, अपने आप को अमर समझ रहा था आर्क रिएक्टर की वजह से। ये आर्क रिएक्टर अब मेरा हुआ, लाओ इधर। अब ये आर्क रिएक्टर से मैं नया हल्क बस्टर सूट बनाऊंगा, अब मुझे लॉस सेंटोस को कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। एक सेकंड, ऊपर क्या हुआ? एक सेकंड भाई, टोनी को क्या हो गया? गाइजर मुझे लगता है टोनी को यहाँ पे बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। अरे यार अवेंजर्स सारे के सारे ऊपर आ जाओ फर्स्ट फ्लोर में, टोनी यहाँ पे पता नहीं बेहोश पड़ा हुआ है, जल्दी आओ। अरे अवेंजर्स देखो, यहाँ पे टोनी कुछ बोल नहीं रहा। अरे टोनी उठ जा भाई, उठ जा भाई, मजाक मत कर, हमारे साथ मस्ती मत कर। अरे आयरन मैन सूट भाई, यार जार्वेस मुझे बताओ हुआ क्या यहाँ पे? टोनी स्टार्क सर जी का आर्क रिएक्टर नहीं चल रहा, इसके वजह से उनका हार्ट फेल हो गया और मुझे लगता है वो अब मर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे सर जी प्लीज जाग जाइए, ऐसा मत करिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। अरे आयरन मैन सर जी, इतनी जल्दी हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज 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 जाग जाइए। अरे दोस्तों अब मेरा क्या होगा। अरे गाइस यार, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर आयरन मैन मर गया तो भाई अवेंजर्स हाउस में आयरन मैन नहीं रहेगा, तो भाई यार बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि अवेंजर कहलाएगा कैसे बिना आयरन मैन के। गाइस यार आयरन मैन सबसे फेवरेट था मेरा, क्योंकि उससे ज्यादा ही मेरी दोस्ती थी, लेकिन अब आयरन मैन ही नहीं रहेगा तो भाई यार चलेगा सब चीज कैसे? जार्वेस हम लोग अगर आयरन मैन को नया आर्क रिएक्टर लगा दे तो क्या वो जिंदा हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टोनी का हार्ट बीट खत्म हो चुका है, ये अब मर चुके हैं, दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। ओह नो गाइजर, मतलब कि यहाँ पे टोनी मारा जा चुका है, भाई यार अब क्या होगा? आप लोग गाइजर प्लीज कमेंट सेक्शन में RIP आयरन मैन या फिर RIP टोनी प्लीज लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारा प्यारा अवेंजर्स का दुलारा आयरन मैन
अब से इस दुनिया में नहीं रहा। ये लो गाइस यार, अब फाइनली हम लोग आयरन मैन को अलविदा कह चुके हैं। मतलब देख रहे हो, आयरन मैन यार हमारी दुनिया से जा चुका है और यहाँ पे सब लोग यार रो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जार्विस भी रो रहा है, और एक सेकेंड, आयरन मैन का एक बच्चा भी था और उसकी वाइफ भी थी, मुझे आज जाके पता चला। वो देखो जो कोट पैंट पहना है वो आयरन मैन का बच्चा है। मतलब सोचो यार, छोटा आयरन मैन है वो, मतलब यार वो भी कितना रो रहा है। पापा आप चले गए, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। अरे यार यहाँ पे तो सबकी हालत बहुत ही खराब है। अरे इतना मत रो यार, गाइजर मुझे भी रोना आ रहा है, मैं भी रो दूं क्या? आप लोग भी रो दो यार, मुझे भी बहुत ही रोना आ रहा है, आयरन मैन हमें छोड़ के चला गया। भाई आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आयरन मैन कैसे मरा। जिसने भी आयरन मैन को मारा होगा ना गाइजर, मैं उससे बदला ले के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओह नो सर जी आप चले गए, अब ये जार्विस किसके लिए काम करेगा सर जी, आप हमें छोड़ के चले गए। हेलो सर जी, अब मेरा नया नया सूट कौन बनाएगा, आप ही तो बनाते थे, अब मेरा क्या होगा। टोनी तुम कितने अच्छे थे, अब तुम भी चले चुके हो, अब मेरा क्या होगा। उड़ी बाबा टोनी तुम चले गए, अगर तुम होते तो मेरा कितना काम आसान हो जाता था, अब मेरा काम कौन करेगा। टोनी तुम मुझे बर्गर का पार्टी देते थे, अब मुझे बर्गर का पार्टी कौन देगा। अरे गाइजर यहाँ पे तो सभी लोग रो रहे हैं यार, ऐसा मत करो मैं भी रोने लगूंगा। नहीं नहीं अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं अपने पापा का बदला लूंगा, अब मैं जान के रहूंगा कि मेरे पापा को किसने मारा, किसने मारा मेरे पापा को। अरे अरे छोटा टोनी स्टार्क, भाई मुझे नहीं पता किसने मारा, बट यार मुझे लगता है हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें ताकतवर होना पड़ेगा, तभी हम जाकर के तुम्हारे पापा के कातिल को पता कर पाएंगे कि कौन है वो, और उससे बदला ले पाएंगे। अरे हाँ ये बात तो सही है, चलो एक काम करता हूँ, मैं ना बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली वाला सूट बनाता हूँ, उससे क्या होगा कि हम लोग पता लगा पाएंगे कि मेरे पापा को किसने मारा और बदला भी ले पाएंगे। चलो जल्दी से चलते पापा का लैब। अरे गाइस यार मुझे लगता है ये छोटा टोनी स्टार्क ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, भाई ये चाहता है कि अपने पापा का बदला लेना, और मैं भी चाहता हूँ कि टोनी स्टार्क का बदला लिया जाए, मतलब कि जिसने भी उसे मारा होगा उसे बदला लूंगा मैं। चलो आ जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा छोटा टोनी स्टार्क, तुम्हारा नया सूट बनाने में, चलो मेरे साथ। अरे गाइजर ये देखो छोटा टोनी स्टार्क ना भाई काम में लग चुका है, भाई ये अपने से एक नया सूट बना रहा है, लगता है यार ये तो बहुत ही सीरियस है, ये नया सूट बना के रहेगा और अपने पापा का बदला लेकर आएगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी सामान की जरूरत होगी तुम मुझे बता सकते हो, मैं लेकर के आ जाऊंगा। अरे नहीं ये काम मैं खुद ही कर लूंगा, अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुलाऊंगा। अच्छा भाई साहब ठीक है, तुम अभी ये काम खुद ही करो, जब मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लेना, मैं यहीं पे हूँ। दोस्तों ये तो पूरे तरीके से सूट बनने ही वाला है, लेकिन ना मुझे ना आर्क रिएक्टर चाहिए जो मेरे पापा के पास था, लेकिन मेरे पापा के पास अब नहीं है, अब मैं आर्क रिएक्टर कहाँ से लाऊंगा। फ्रैंकलिन कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लगता है गाइजार छोटे टोनी स्टार को मेरी मदद चाहिए। अरे हाँ टोनी स्टार बताओ क्या हुआ। मुझे अपना आयरन मैन सूट को चलाने के लिए आर्क रिएक्टर चाहिए, बट वो नहीं है, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे। अरे हाँ हाँ जरूर जरूर, अरे पता है अगर कोई भी सामान ढूंढना हो ना तो जार्विस को बोलो वो ढूंढ देगा। चलो जार्विस से मैं पूछता हूँ, जार्विस जल्दी जल्दी आयरन मैन का आर्क रिएक्टर का पता लगाओ। लग गया पता, मैं तुम्हारा लोकेशन फोन में सेंड कर देता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत ही फास्ट है, चलो आ जाओ छोटे टोनी स्टार्क जल्दी से आके गाड़ी में बैठो, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं वो आर्क रिएक्टर को लेने। अरे हाँ हाँ चलो चलो मैं तो बैठ गया। चलो गाइजर छोटे टोनी स्टार को जल्दी से मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि गाइजर मैं इसे लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि गाइजर आर्क रिएक्टर निकालना इतना आसान बात भी नहीं है, इसकी मुझे मदद पड़ेगी। अरे छोटे टोनी स्टार तुमने भाई अपना सूट रखा। हाँ मैंने रख लिया, अगर जहाँ भी फाइट की जरूरत होगी मैं अपना सूट निकाल के फाइट कर सकता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा सूट तो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं रहा ना बिना आर्क रिएक्टर के। हाँ सही कहा, मुझे अपने सूट में ना और पावर डालनी है, लेकिन उसके लिए मुझे आर्क रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा भाई ऐसी बात है, चिंता मत कर मेरे पास फोन में लोकेशन आ चुका है जहाँ पे आर्क रिएक्टर रखा हुआ है, हम लोग जल्दी से जाते हैं और आर्क रिएक्टर वहाँ से लेके आते हैं। चलो तो गाइजर फाइनली हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं। एक सेकंड ये तो भाई खतरनाक सा टनल लग रहा है। अरे हाँ ये तो बहुत ही डरावना भी है। अरे चिंता मत करो छोटे टोनी स्टार भाई मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो गाइजर धीरे धीरे अंदर चलते हैं, ये तो भाई खुफिया टनल लग रहा है, भाई कोई दुश्मन का खुफिया टनल हो तो भाई दिक्कत ही हो जाएगी। चलो चलो नीचे चलते हैं, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा टोनी का आर्क रिएक्टर भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। चलो नीचे उतर के देखते हैं भाई ये कौन सा जगह है। एक सेकंड वहाँ पे कौन है, चलो देखते हैं। एक सेकंड ये तो फेक आयरन मैन है, और भाई ये फेक आयरन मैन ने क्या बना दिया। ओए ये क्या है। ये है मेरा नया आविष्कार, पता है ये अल्ट्रॉन है,
ये अल्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये लॉस सेंटोस को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। तुम्हें पता है यही था मेरा प्लान, और आर्क रिएक्टर में बस मैं इसे लगाता हूँ और से ये चालू हो जाएगा। मैंने टोनी स्टार को इसीलिए मारा क्योंकि मैं उसका आर्क रिएक्टर चुरा पाऊँ। क्या तुमने ही मेरे पापा को मारा है? एक सेकेंड, तुमने ही आयरन मैन को मारा? फेक आयरन मैन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है फ्रैंकलिन, ये बॉक्स में आर्क रिएक्टर है। अब मैं आर्क रिएक्टर लगाऊंगा ये अल्ट्रॉन को, और ये अल्ट्रॉन लॉस सेंटोस में मेरा हुक्म चलाएगा, और अब मैं बन जाऊंगा लॉस सेंटोस और ये दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आदमी। काइजर, मुझे कुछ भी करके ये आर्क रिएक्टर चुरा नहीं होगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फेक आयरन मैन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले छोटे टोनी स्टार, जल्दी से आर्क रिएक्टर ले और यहाँ से भाग, मैं तब तक इसे रोकता हूँ। नहीं नहीं फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना तू जा, जल्दी जा भाई, ये आर्क रिएक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे से भी ज्यादा। अरे ठीक है, मैं जल्दी से इसे लेता हूँ। चलो ले लिया आर्क रिएक्टर, अब जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकलता हूँ। चिंता मत करो फ्रैंकलिन, मैं जल्दी से आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। फ्रैंकलिन को मुझे कुछ भी करके बचाना ही होगा। जैसे ही मैं अपने सूट में ये आर्क रिएक्टर लगाऊंगा, मेरा सूट ऑटोमेटिकली बहुत ही एडवांस अपग्रेड हो जाएगा, तब मैं फ्रैंकलिन को बचा लूंगा। चलो जल्दी से जाता हूँ अपने लैबोरेटरी में और जल्दी से अपना सूट को रेडी करता हूँ। लगता है फ्रैंकलिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मैंने टोनी स्टार को कैसे मारा। ये मशीन से मैंने मारा है, ये मशीन से मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक सेकंड, रुक जाओ मत करो प्लीज, ऐसा मत करो भाई प्लीज। नहीं फ्रैंकलिन, ये लो। लगता है फ्रैंकलिन भी गया समझो। चलो जल्दी से जाता हूँ, ये आर्क रिएक्टर अपने सूट में लगाता हूँ, वहाँ पे फ्रैंकलिन मुसीबत में है। चलो ये आर्क रिएक्टर जल्दी से मेरे सूट में लग जाओ। लगता है आर्क रिएक्टर अपना काम करना चालू हो गया है, अब मेरा सूट बहुत खतरनाक तरीके से अपग्रेड होने वाला है। अरे वाह दोस्तों, ये देखो, ये तो बहुत ही खतरनाक सा गॉड लेवल वाला सूट बन गया है। अब चलो ये सूट मैं पहनता हूँ। ये सूट तो लंबा और बड़ा है, ऐसा लग रहा है मैं तो बड़ा हो गया। हेलो जूनियर टोनी, आपका स्वागत है। अरे वाह, इसके अंदर तो जार्विस भी है। हाँ, मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूंगा। तो चलो जार्विस, अब फ्रैंकलिन को बचा के आते हैं। चलो अब देखे भी जरा ये सूट में कैसी पावर है। ये सूट में 3000 गुना ज्यादा पावर है पिछले वाले सूट से। अरे वाह, इसका ये मतलब है ये सूट तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें फ्रैंकलिन को बचाना होगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो मर भी सकता है, हमें जल्दी जल्दी उसे बचाना ही होगा। चलो जल्दी से चलते वो टनल के अंदर और फ्रैंकलिन को बचाते हैं। ये देखो, ये रहा है टनल, अब चलो इसके अंदर चलते हैं, और इस बार मैं ये लोग को छोड़ूंगा नहीं। ये देखो, ये रहा दोनों, मैं तुम लोग दोनों को अब छोड़ने नहीं वाला। ये क्या, ये तो बहुत ही खतरनाक सूट है, ये किसने बनाया? ये मैंने बनाया है, जूनियर टोनी ने। ये लो, कैसा लगा? और ये भी लो, तुम भी जाओ, मैंने दोनों को बहुत बुरा मारा। चलो फ्रैंकलिन, मैं आ गया तुम्हें बचाने, चलो चलो जल्दी चलो। अरे एक सेकेंड, ये तुम हो क्या, जूनियर टोनी? हाँ हाँ मैं ही हूँ, देखो मेरा कितना खतरनाक सा सूट है। अरे हाँ यार, ये सूट तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा भाई, ये तुमने बनाया? हाँ, ये मैंने ही बनाया है, आज से ये लॉस सेंटोस का आयरन मैन मैं हूँ। सो दोस्तों, लॉस सेंटोस में दोबारा से एक नया आयरन मैन आ चुका है, जूनियर आयरन मैन। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना इसका ये नया वाला सूट कैसा लगा, और गाइस नीचे ये भी कमेंट कर देना RIP टोनी स्टार्क या फिर RIP आयरन मैन, क्योंकि हमारा आयरन मैन छोड़ के चला गया, बट अब से यार आयरन मैन का बेटा जूनियर आयरन मैन भाई लॉस सेंटोस की सेवा करेगा, रक्षा करेगा। ओके गाइस, नीचे कमेंट करके बताना इसका नया वाला सूट कैसा लगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोजाना इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।